मोटापे को लेकर हमेशा लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती कि मोटापा अकेला नहीं आता है, मोटापा अपने साथ 10 बीमारियां और लेकर आता है। जब ये बीमारी आती है तो ये अपने साथ के साथ बहुत बीमारियों को साथ में लेके आता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम शुगर की बीमारी कह देते हैं, ब्लड प्रेशर जिसमें हमारा बीपी बढ़ जाता है, स्लीप एपनिया जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें खराटे की दिक्कत आती है, रात को सांस नहीं आता, लोगों को मशीन लगती है और दिन में चलने फिरने में भी सांस फूलता है। लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई एक पर्सन है जिसको इस टाइम पे मोटापा हुआ था, तो उनको लगता है कि शायद अगर वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो वो डाइटिंग करेंगे, उससे जो है उनका मोटापा दूर हो जाएगा। तो क्या ऐसा है, ये सच है या सिर्फ उनका मिथ है? ये बीमारी से इतने लोग पीड़ित हैं तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना और इन लोगों को ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है जितना इस बीमारी को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। काफी लोगों ने, हो सकता है हमारे व्यूवर्स ने भी सुना हो कि मोटापे को दूर करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी पड़ती, तो आखिरकार ये सर्जरी है क्या? लोगों को सुना तो बहुत होगा पर लोगों को पता नहीं कि असल में ये प्रोसीजर होता क्या, क्या करते हैं ऐसा कि मोटापा जो है दूर हो जाता है। ये सर्जरी क्या करती है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे बॉडी में जाने के बाद किस तरह से हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स निकलते हैं जो एक कम खाने वाले का भी वेट बढ़ाते हैं और ज्यादा खाने वाले का भी वेट नहीं बढ़ने देते। पेशेंट आया, उसका वेट पहले कुछ और था, बहुत ज्यादा था, पर आफ्टर सर्जरी जो है उसने वेट इतना लूज किया, तो वो जरूर आप एक्सपीरियंस शेयर करो कि कितना कितना फर्क आ जाता है वेट में। किसी का अगर आइडियल बॉडी वेट 60 किलो होना चाहिए तो कई बार लोगों को 80 किलो पे भी दिक्कत आती है, उनको जॉइंट पेन होती है, सांस की तकलीफ होती है, डायबिटीज होती है। अगर आप कहेंगे डॉक्टर साहब सिर्फ 20 किलो ही वजन ज्यादा है, पर वो 20 किलो भी कम नहीं कर पा रहे होते डाइट से, एक्सरसाइज से, तो उनको ऑपरेशन जो है 20 किलो कम करके ये मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य। बदलते लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स के चलते आजकल मोटापे की समस्या बहुत आम हो गई है, और जब मोटापे की बात होती है तो हर कोई तमाम कोशिशें करता है कि आखिरकार वो किस तरीके से मोटापे का शिकार होने से बच पाए, और अगर मोटापे का शिकार हो गया तो उससे उन्हें छुटकारा मिल सके। तो ये तमाम चीजें, अगर आप भी कुछ ऐसी ही तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपकी तलाश खत्म करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं स्पेशलिस्ट से, किस तरीके से वो वेट लॉस एंड डायबिटिक सर्जन है डॉक्टर अमित सूद। उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, तो बातचीत पहले करेंगे किस तरीके से जहां पर लोग मोटापे की वजह से परेशान है, लोग सोचते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से छुटकारा पाए। तो बिल्कुल ज्यादा समय ना लेते हुए हम डॉक्टर अमित सूद जी से ही बात कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू कल्पना जी, एंड सारे व्यूअर्स जो सिटी न्यूज को सुनते हैं, आज आपने भी टाइम निकाला, आपने ये समझा कि ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की हेल्थ के लिए, उन तक ये मैसेज देने के लिए, और यहाँ आके मैं ये जितना काम कर रहा हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कम है, कि मुझे लगता है कि पूरे पंजाब को हेल्दी एंड हैप्पी होना बहुत जरूरी है। और सर, अगर बात करें मोटापे की, मोटापा अकेला नहीं आता है, मोटापा अपने साथ 10 बीमारियां और लेकर आता है, तो अगर हम बात करें जब भी कोई लोग मोटापे का शिकार होते क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां उन्हें आनी शुरू हो जाती है? देखिए, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। अगर हम ये कहें कि कोई इंसान ज़्यादा खाता पीता है तो वो मोटा है, ये किसी हद तक सच नहीं है। आपने देखा होगा कि अपनी फैमिली में भी कि जो लोग कई बार बहुत ज़्यादा खाते हैं वो बहुत पतले हैं, और जो लोग उनका वज़न ज़्यादा है वो भी कई बार कम खाने से भी उनका वज़न बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स खाना पीना टोटली रिलेटेड नहीं है, कुछ ये आपका जेनेटिक्स है, कुछ आपका लाइफस्टाइल है, आप किस तरह के सर्कल में हैं, आपके काम में आपकी कितनी एक्सरसाइज है और आपको क्या हैबिट्स हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप में मोटापे को डिफाइन करती हैं। और जैसे आज की डेट में मोटापा, अगर हम बात करें बीमारियों की, बीमारियां अपने आप में कम्युनिकेबल हैं, जैसे कोविड, ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाता है, इसलिए कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। तो मोटापा अपने आप में एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी में माना जाता है, कि अपने आप में एक बीमारी है, तो ये सिर्फ खाने पीने से या लाइफस्टाइल से नहीं, ये कुछ जेनेटिक एंड से भी अपने आप में लोगों को अफेक्ट करता है। और जब ये बीमारी आती है तो ये अपने साथ के साथ बहुत बीमारियों को साथ में लेके आता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम शुगर की बीमारी कह देते हैं, ब्लड प्रेशर जिसमें हमारा बीपी बढ़ जाता है, स्लीप एपनिया जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें खराटे की दिक्कत आती है, रात को सांस नहीं आता, लोगों को मशीन लगती है और दिन में चलने फिरने में भी सांस फूलता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, औरतों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम,
डिप्रेशन की प्रॉब्लम, तो मोटापा अपने आप में सब बीमारियों को साथ लेके आता है और ये सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है। और सर इसके साथ ही अगर देखा जाए मोटापे के लोग, अगर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई एक पर्सन है जिसको इस टाइम पे मोटापा हुआ था, तो उनको लगता है कि शायद अगर वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो वो डाइटिंग करेंगे, उससे जो है उनका मोटापा दूर हो जाएगा, तो क्या ऐसा है, ये सच है या सिर्फ उनका मिथ है? देखिए अगर हम बात करें मोटापे का जो शिकार है, हर घर में अगर कोई अगर हम देखें तो मोटापा हर फैमिली में किसी न किसी फैमिली मेम्बर को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम बात करें इंडिया की ऑन द होल, तो लगभग हमारी इंडिया की जो है 1500 मिलियन की पॉपुलेशन है आज की डेट में, जिसमें से 150 मिलियन लोगों का वेट ज़्यादा है जो मोटापे से पीड़ित हैं। अगर हम वही फिगर्स को देखें, 10% जो मोटापा देखा गया है, अगर हम पंजाब को देखते हैं तो ये फिगर्स जो पंजाब में हैं 50% तक हैं, तो मतलब पंजाब में ये मोटापा बहुत है। लुधियाना परसे में ये जो मोटापे की जो फिगर्स हैं 10-15% देखी गई हैं, और जो रूरल पंजाब है वहाँ पे ये फिगर जो हैं ऑलमोस्ट 30-45-50% तक देखी गई है। तो यस, मोटापा हर घर में है पंजाब में, एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन इन द फैमिली जो है वो मोटापे से और मोटापे की बीमारियों से पीड़ित है हमारे सिटी में और हमारी स्टेट में। तो इसके साथ के साथ अगर ये बीमारी से इतने लोग पीड़ित हैं तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना और इन लोगों को ट्रीट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इस बीमारी को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सर आइडेंटिफाई तो कर लिया, बीमारी के जब इलाज की बात होती है लोगों को भी लगता है कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो लोगों को लगता है कि दवाइयों से इलाज संभव है या बाकी तरीकों से इलाज संभव है, तो इसका अगर मोटापे का लोग शिकार हो जाते हैं तो क्या इसका इलाज भी कुछ इस तरीके से संभव है कि सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है? देखिए जैसे हमने देखा कि मोटापा होने के कारण अनेक हैं, तो इसके साथ के साथ इसके जो इलाज हैं वो भी बहुत तरह से किए जाते हैं। देखिए हर एक को हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते, सर्जरी हम रिकमेंड करते हैं जब हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स जो हमारे हाइट और वेट से कैलकुलेट किया जाता है 35 के ऊपर चला जाए। नॉर्मल BMI हमारा 18.5 से लेकर 24.5 तक होता है, 25 से 30 तक हम कहते हैं कि ओवरवेट, ओवरवेट मींस वज़न ज़्यादा। जब हमारा BMI 30 के ऊपर चला जाता है और साथ में हमें बीमारियां जुड़ जाती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेंस, तो हमें जो बीमारियों के साथ मोटापे का इफ़ेक्ट डबल हो जाता है जिसमें लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो 30 के ऊपर BMI प्लस साथ में जब बीमारियां होती हैं या BMI 35 के ऊपर चला जाए तब हम रिकमेंड करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। इसके जब नीचे का BMI हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको सबसे पहले अच्छी डाइट और एक अच्छी एक्सरसाइज लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का BMI बहुत ज़्यादा है जो हमारे पास आते हैं उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी रिकमेंड करते हैं, हम देखते हैं, हम उनको पूछते हैं कि उन्होंने पिछले 4-6 महीने में, एक साल में कितनी मेहनत करी है। अब अगर मान लीजिए कोई हमें ये बताता है, डॉक्टर साहब हम 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, खाना पीना हमने बहुत कम किया हुआ है, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो उनको मोटापे की बीमारी है। तो अब जब ये बीमारी हमने आइडेंटिफाई कर ली जिससे लाइफस्टाइल से वज़न कम नहीं हो पा रहा, तो उसमें ये जो ऑपरेशंस हैं ये अपने आप में वरदान है कि ये बीमारी को भी ख़त्म करते हैं और इसके साथ जो मोटापा बीमारी और बीमारियों को लेके आता है उनको, स्पेशली डायबिटीज़ और जॉइंट पेंस, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनको भी जड़ तक ख़त्म कर देता है। सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी को लेकर हमेशा काफी लोगों ने, हो सकता है हमारे व्यूवर्स ने भी सुना हो कि मोटापे को दूर करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी पड़ती है, तो आखिरकार ये सर्जरी है क्या? लोगों को सुना तो बहुत होगा पर लोगों को पता नहीं कि असल में ये प्रोसीजर होता क्या, क्या करते हैं ऐसा कि मोटापा जो है दूर हो जाता है? देखिए मोटापा होने के काफ़ी कारण हैं और ये सर्जरी क्या करती है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे बॉडी में जाने के बाद किस तरह से हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स निकलते हैं जो एक कम खाने वाले का भी वेट बढ़ाते हैं और ज़्यादा खाने वाले का भी वेट नहीं बढ़ने देते। दैट मीन्स कि जो भी है खाने के अलावा बॉडी के जो हॉर्मोन्स हम निकलते हैं बॉडी के अंदर और वो हॉर्मोन्स उस खाने को किस तरह से डाइजेस्ट करवाते हैं, उस खाने को किस तरह से फैट में कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्टेड फैट को बॉडी में एनर्जी को यूज़ होने से रोकते हैं, तो ये सब अगर हम जब नॉलेज को समझ लेते हैं तो हम इन ऑपरेशंस के अंदर हमारे जो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से थोड़ी सी तब्दीली करते हैं कि आप जो भी खाएं वो फैट में कन्वर्ट नहीं होएगा,
वो खाना आपका अच्छी तरह डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब होएगा, आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा, आपके अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, बुरे हार्मोन्स निकलने बंद हो जाएंगे और आपका जो खाना है फैट में कन्वर्ट ना होते हुए आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होएगा और आपका जो स्टोर्ड फैट है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा। तो ये ऑपरेशंस बड़ी साइंस को समझते हुए डिज़ाइन किए गए हैं और आज की डेट में ये ऑपरेशंस वर्ल्ड ओवर, पंजाब में नहीं वर्ल्ड ओवर अप्रूव्ड हैं और हर देश में, हर कंट्री में, हर पॉलिसी के अंदर ये ऑपरेशंस कवर किए गए हैं। दैट मीन्स कि इन ऑपरेशनों में डॉक्टर की मर्जी या पेशेंट की मजबूरी से ज़्यादा एक साइंस की कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो ये समझा गया है कि अगर ये ज़रूरत है तो ऑपरेशंस ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और जब जब ऑपरेशन की बात होती है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, तो लोगों में के मन में सबसे ज़्यादा एक डर होता है कि सर्जरी नहीं करवानी, सर्जरी जो है हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड होगी, बाद में बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, या सर्जरी से पहले बड़ा डर लगता है। तो इसमें क्या ऐसे, क्या ये सेफ है, मतलब लोगों का डर आप कैसे दूर करोगे? देखिए यस, तो ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, वो छोटा रहे या बड़ा रहे, बट अगर हम बात करें तो ये ऑपरेशंस जिस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ये लैप्रोस्कोपी के माध्यम से किए जाते हैं, दूरबीन के राही। आजकल हमने देखा है कि लैप्रोस्कोपी अभी पित्ते में पथरियाँ होए, हर्निया होए या बच्चेदानी में रसौलियाँ होए, उन सब के लिए लैप्रोस्कोपी रिकमेंड करी जाती है। तो ये ऑपरेशंस भी लैप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं। बट यस, अगर हम बात करें आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, आपको कम कॉम्प्लिकेशंस कम चाहिए या मिनिमल या नहीं होनी चाहिए, तो आपको एक्सपर्ट्स ढूंढने पड़ते हैं जो ये ऑपरेशंस डे इन डे आउट करते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनका पेशेंट फॉलोअप अच्छा है और जो काफ़ी इस फील्ड में काम कर चुके हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेशेंट हमें भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि जिसको ये ऑपरेशन से बेनिफिट होएगा, उसी तरह से पेशेंट्स को भी अच्छे डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको रिजल्ट्स अच्छे मिले। और अगर अच्छे सेंटर्स में और अच्छे डॉक्टर से ही आप ये इलाज करवाते हैं तो इनके जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं, वो जो रूटीन की सर्जरीज मैंने बताई हैं जैसे पित्ते की पथरियाँ, हर्निया या रसौली, उससे भी कम है। तो दैट मीन्स कि ये ऑपरेशन सेफ हैंड्स में सुपर सेफ है। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सेफ डॉक्टर, सेफ टीम ढूंढनी है जो आपका साथ दें और आपको इस बीमारी से ठीक करें। बिल्कुल सर, इसके साथ ही आप ये सोच सकते हो कि ये मेरा हो सकता है कि सेकंड लास्ट सवाल हो, पर ये सवाल बहुत अहम है। अगर लोगों में बात की जाए कि ऑपरेशन को लेके कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवा ली, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोगों में वो चीज़ भी ज़रूर जानी चाहिए कि मान लो कि कोई पेशेंट आया, उसका वेट पहले कुछ और था, बहुत ज़्यादा था, पर आफ्टर सर्जरी जो है उसने वेट इतना लूज़ किया, तो वो ज़रूर आप एक्सपीरियंस शेयर करो कि कितना कितना फ़र्क आ जाता है वेट में। देखिए ऐसा है, इसके अंदर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, किसी का अगर आइडियल बॉडी वेट 60 किलो होना चाहिए, तो कई बार लोगों को 80 किलो पे भी दिक्कत आती है, उनको जॉइंट पेन्स होती है, सांस की तकलीफ होती है, डायबिटीज़ होती है। अगर आप कहेंगे डॉक्टर साहब सिर्फ 20 किलो ही वज़न ज़्यादा है, पर वो 20 किलो भी कम नहीं कर पा रहे होते डाइट से, एक्सरसाइज से, तो उनको ऑपरेशन जो है 20 किलो कम करके ये मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। और कई बार लोग 20 किलो से उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती और उनका वेट 200 या 250 या 300 किलो तक पहुँच जाता है, तो वो हमारे पास आते हैं। तो देखा जाए अगर हमारा वेट जो है 60 kgs एन एन एवरेज फीमेल्स में होना चाहिए और 80 kg एज एन एवरेज अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को देखें होना चाहिए, तो अगर 60 फीमेल का और 80 मेल का है एवरेज वेट, और अगर इसमें से 30-40% वेट की इंक्रीमेंट है कि अगर 60 से किसी का 90 और 90 के अबव हो जाए फीमेल्स में, और मेल्स में 100 या 100 के अबव, तो उन लोगों को वेट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई बार लोग हमारे पास यस आपकी भी मीडियम से जल्दी अप्रोच कर लेते हैं, और कई बार ऐसी ऐसी बेल्ट्स में लोग 150, 200, 250, 300 किलो तक हमारे पास लोग पॉकेट्स में आते हैं, हम भी उनको देख के हैरान होते हैं। बट जब जब आए, देर आए दुरुस्त आए, हमें मौका मिलता है उनको ठीक करने का। तो इस बीमारी का इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड है कि मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है, हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। बट यस, जिनको ये बीमारी है, जिनका वेट ज़्यादा है, उनको आके आना चाहिए। और सर इसके साथ ही अगर ये तमाम चीज़ों को लेके देखा जाए, जब लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, लोग बहुत ही निराश हताश भी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि बड़े तरीके अपना चुके होते हैं ऑलरेडी वो कि वेट लॉस करने के लिए। तो जब ये इस तरीके से अब उनके एक तो किरण तो जगी होगी कि किस तरीके से वो उनके पास एक ऑप्शन तो ये भी है, तो उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज होगा?
देखिए, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा एक सोशल स्टिग्मा नहीं है। नॉर्मली हम किसी जब मोटे इंसान को देखते हैं तो हम यही बोलते हैं कि यार ये एक्सरसाइज नहीं करता होएगा, खाता पीता बहुत होएगा। तो ऐसा नहीं है, वो खाने पीने ज़्यादा खाने पीने से मोटे नहीं होते या ज़्यादा कम एक्सरसाइज करने से भी मोटे नहीं होते। मोटापा अपने आप में बीमारी है। जब ये बीमारी हमारे लाइफस्टाइल से ठीक नहीं हो पाती तो ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को आगे आना चाहिए, एक्सपर्ट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि इसका सफल इलाज है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मोटापा अपने साथ 100 बीमारियां लेके आता है, कैंसर लेके आता है। कैंसर का एक स्टेज के बाद इलाज नहीं है, पर मोटापे का इलाज है। अगर हम मोटापे का सफल इलाज करवाते हैं तो आपकी बॉडी मोटापे से तो फ्री होती होती है, तो मोटापे के साथ जो जुड़ी सारी बीमारियां हैं उनसे भी फ्री हो जाती है। तो बस आपको आगे आना है, अपना डर कम करना है। आपका जो डर है वो एक जायज़ है, वो डर रहता है, ऑपरेशन से डर रहता है, अपने आप में डर रहता है, पर वो डर निकालने के लिए हम स्पेशलिस्ट बैठे हैं कि जब हम उनको पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। और आपका भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीडियम है जो हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं आपके थ्रू, ताकि वो आगे आएं और हमसे कंसल्ट करें, ताकि हम उनको बताएं, उनको चॉइसेस दें कि आपकी लाइफ के लिए ये ज़रूरी है। और बहुत पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं उनको ये डर होता है कि डॉक्टर साहब क्या हो जाएगा, तो हम उनको अपने बाकी पेशेंट से मिलवाते हैं, उनके फ़ोन नंबर शेयर करते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ हमने चेंज करी हैं, जो आज बहुत खुश हैं, जो बहुत डरते थे। तो वो एक मोटिवेशन मिलती है एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से, जिससे वो इस इलाज को करवाने के लिए हमारे पास आ गया। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ के लोगों के जो इतने बड़े डाउट्स होते हैं मोटापे को लेकर, जो डर होता है, वो डर दूर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी, एंड थैंक यू इस चैनल का, और स्पेशली हमारे जो कैमरा पर्सन भी हैं जो इतनी मेहनत से बिना इतने डिस्टर्ब हुए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत की डॉक्टर अमित सूद जी के साथ, जैसे कि एक तरफ बात हो रही थी कि हर किसी के दिमाग में एक चीज़ होती है कि हो सकता है सिर्फ बदलता लाइफस्टाइल या डाइट हैबिट्स के चलते ही लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, पर ये डाउट भी आज डॉक्टर अमित सूद ने दूर कर दिया कि मोटापे की वजह बहुत सारी हैं, कई कारणों से जो है लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उन वजह को समझना पड़ेगा और समय से जो है उसका इलाज शुरू करवाना होगा। और उसके अलावा भी जब लोगों को राहत नहीं मिलती है तो उसके अलावा भी इसका इलाज संभव है, जिस तरीके से बाकी जो है बीमारियों के लिए सर्जरीज हैं, ठीक उसी तरीके से मोटापे को दूर करने के लिए भी सर्जरी और काफी सेफ है। तो इसी तरीके से और भी स्टोरीज के साथ मिलते रहेंगे। कैमरामैन सागर गागड़ के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।